हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे घर में ही लिया जा सकता है रेत सी भुनी छल्ली का टेस्ट। इसके लिए हमें चाहिए ये छल्ली, जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने इसको पील ऑफ कर लेना है। इसके लिए ये जो छिलके हैं इनको उतार लेना है। देखिए, मैंने भुट्टों को पील ऑफ कर लिया है और अब हम इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी इतना होना चाहिए कि ये छलियाँ इसमें डिप हो जाएं अच्छे से। हमें इसको 4 से 5 विसल दिलवानी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट का। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसमें 4 से 5 विसल आनी चाहिए कि ये अच्छे से गल जाएं। 5 से 6 विसल आ चुकी हैं और हम इसको प्रेशर कुकर को खोल देते हैं अब और चेक करते हैं कि हमारा भुट्टा अच्छे से गल गया। ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको एक छन्नी में डालेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल निचुड़ जाए। इस तरह से हमने इसको छन्नी में डालना है। ये अच्छे से इनका पानी निकल गया है। अब हम इसको टेस्टी बनाने के लिए इस पर क्या मसाला लगाना है वो आपको बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये देखिए मैंने थोड़ी सी ली है अजवाइन, आलमोस्ट 1/4 टीस्पून लिया है काला नमक ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ी सी ली है मैंने रेड चिल्ली पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून है, और इसके लिए चाहिए हमें नींबू। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसको हमने नींबू की हेल्प से इस तरह से अच्छे से अपने भुट्टे के ऊपर लगाना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसको घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। कुछ लोग गैस पे भून के छल्ली बनाते हैं, वो भी अच्छी होती है, बट जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से हमारी छल्ली यानी कि भुट्टा देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।